उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी 25 अप्रैल के एग्जाम को लेकर के UK SSC ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें जो है परीक्षा का कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है, साथ ही एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी है और जो बाहरी राज्य से जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर UK SSC ने संवाद के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें डेट आप देख सकते हैं आज यानी 7 अप्रैल 2021 की डेट पड़ी हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा का परीक्षा कार्यक्रम जारी किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे देखिए कि प्रिय अभ्यर्थियों अवगत कराना है कि आयोग द्वारा सहायक अध्यापक LT दिनांक 13 अक्टूबर 2020 हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। आवेदन के समय ही लिखित परीक्षा का अनुमानित समय अप्रैल 2021 प्रस्तावित किया गया था। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप नए आवेदकों को भी आवेदन का अवसर दिया जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राजेश धामी व अन्य बनाम राज्यों में इस भर्ती परीक्षा को 3-4 माह में पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं। अतः उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2021 को सहायक अध्यापक LT के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा कार्यक्रम निम्न अनुसार निर्धारित किया जा रहा है। तो जो एग्जाम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 अप्रैल को होगा और ये दो पालियों में होगा, प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम पाली और 2 बजे से 4 बजे तक द्वितीय पाली। अब नोट में देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि यह भी अवगत कराना है कि उक्त लिखित परीक्षा का निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम आयोग कार्यालय के प्राप्तांक 1946 दिनांक 5 अप्रैल 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था जो कि लिपिकीय त्रुटि के कारण दिनांक 5 मार्च 2021 अंकित हो गया था। उल्लेखित पत्रांक संख्या में दिनांक 5 मार्च 2021 के स्थान पर 5 अप्रैल 2021 पढ़ा जाए, अन्य तथ्य व शर्तें यथावत रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे बाहरी राज्य वालों के लिए क्या यहाँ पे छूट दी गई है। तो यहाँ पे कहा है कि उक्त परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाए, यथाशीघ्र ही उपरोक्त लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र भी जारी किए जाएंगे। कोविड-19 संक्रमण के मानक अनुपालन की दृष्टि से कुछ विषय प्रथम पाली में व शेष द्वितीय पाली में होंगे। कोविड मानकों का पालन अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है। राज्य के बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन से यह अनुरोध किया जाएगा कि उनके प्रवेश पत्र को ही ई पास माना जाए। तो जो बाहरी राज्यों से जो अभ्यर्थी आने वाले हैं उनको ई पास की जरूरत नहीं होगी, अगर वे अपना प्रवेश पत्र यानी LT का प्रवेश पत्र दिखाते हैं तो उसी को ई पास माना जाएगा। तो यहाँ पर इस संबंध में यह बताया गया। इसके साथ ही यहाँ पर कहा गया कि कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे किंतु थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान उच्च तापमान वाले अभ्यर्थी अलग कक्ष में परीक्षा दे सकेंगे। और साथ ही यहाँ पे दिया गया कि लिखित परीक्षा हेतु शुभकामनाओं के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आयोग की ओर से संतोष बड़ेनी सचिव। तो इस प्रकार से जो परीक्षा है वो आपका 25 तारीख को ही होगा और एडमिट कार्ड जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी बाहरी राज्य से हैं तो उनके लिए ई पास बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास जो प्रवेश पत्र है एडमिट कार्ड अगर आप उसको डाउनलोड करके लेके आते हैं तो उसी को ई पास माना जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये आज की डेट में यहाँ पर आयोग ने जारी कर दिया है।